हेलो सर, तो आज हम आपके लिए लेके आए बटन कैमरा। तो आज हम आपको बताएंगे ये कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। तो आपको इसके अंदर मिलेगा एक चार्जिंग केबल, एक बटन कैमरा और एक कस्टमर केयर नंबर स्लिप। तो क्या करना है, जब आपको ये वाला बटन कैमरा मिलेगा आपको एक घंटा सबसे पहले इसको चार्जिंग करना है। जब आपको ये मिलेगा तो आपको 50 से 60 मिनट चार्ज करना है, एक घंटे से ज़्यादा चार्ज मत कीजिएगा। तो जब हमें ये कैमरा मिला था हमने इसको एक घंटा चार्ज कर लिया था। तो अब इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं 32 GB तक। आप इसके अंदर 8 GB या 16 GB लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसके अंदर लास्ट मेमोरी कार्ड 32 GB तक लगा सकते हैं। तो सैंडिस्क कंपनी का ओरिजिनल मेमोरी कार्ड लगाइएगा प्लीज़, खाली करके। तो ये सैंडिस्क का 32 GB मैं इस पर आपको ट्रायल के लिए दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर मेमोरी कार्ड इस तरीके से लगेगा करके अपने नेल्स से अंदर कर देना है। यहाँ पे हो गया सेट। फिर उसके बाद हमें ये है इसकी इंडिकेशन लाइट। तो अब ये ऑन ऑफ बटन है और ये वीडियो और फोटो के लिए बटन है। तो हमें जो ऑन करेंगे पहले नीचे का बटन आप दबाए रखिएगा जब तक लाइट ऑन नहीं हो जाती। ये वाइब्रेट किया और ये अब लाइट ऑन हो गई है, ये स्टेबल हो चुका है। अब कई लोग बोलते हैं सर ये ऑन होके ऑफ हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका मेमोरी कार्ड इसके अंदर सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर मेमोरी कार्ड का इशू है। तो आप इसके अंदर हमें फ़ोटो क्लिक करने के लिए ऊपर का बटन एक बार क्लिक करके छोड़ेंगे, लाइट गई और वापस आएगी, इसका मतलब फ़ोटो क्लिक हो चुकी है। फिर से बता देता हूँ, ऊपर अब नीचे वाले बटन का काम ख़त्म हो चुका था ऑन होने के बाद। ऊपर का बटन एक बार क्लिक करके छोड़ना है, लाइट गई वापस आई। अब हमें इसको वीडियो मोड पे लेके जाना है, तो हम ऊपर का बटन 5 से 10 सेकंड के बीच में प्रेस करे रखेंगे और जब ये लाइट ब्लिंक होनी स्टार्ट हो जाएगी फिर हम छोड़ देंगे। ये लाइट 2 बार ब्लिंक होके बंद हो गई है, इसका मतलब ये वीडियो मोड पे आ चुका है। अब हमें इसकी वीडियो सेव करनी है, तो हम ऊपर वाला बटन एक बार क्लिक करके छोड़ेंगे, लाइट गई वापस आ गई, ठीक है। अगर अब हम मैं आपको फिर से बताया तो क्या करना है, फ़ोटो के लिए ऊपर का बटन एक बार क्लिक करके छोड़ना है, लाइट गई वापस आई। वीडियो के लिए बटन को 5 सेकंड तक प्रेस कर रखना है, 1 2 3 4 5 बटन मैंने छोड़ दिया, वीडियो मोड पे आ गया है। अब मुझे ये वाला वीडियो सेव करना है, तो ऊपर का बटन एक बार क्लिक करके छोड़ दूंगा मैं, लाइट आ गई। अब मुझे इसे ऑफ़ करना है, तो दोनों बटन को एक साथ प्रेस कर दीजिए, ये ऑफ हो जाएगा। ये तो इसका ये काम हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर मेमोरी कार्ड मैंने निकाला, कार्ड रीडर के थ्रू अपने सिस्टम में लगाया, वीडियो ये मैंने 2 वीडियो बनाई थी। हम अगर पीसी में आप वीडियो चलाए तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर में चलाएंगे, विंडोज़ मीडिया प्लेयर। ये देखिए वीडियो आपकी बनी थी और फोटोज़ यहाँ पे क्लिक हुई थी। और आप कई लोग बोलते हैं सर टाइम और डेट गलत आ रहे हैं, तो इसके अंदर नोट पैड में एक ऑप्शन बना है, टाइम और डेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और आप एक चार्जिंग में, सिंगल चार्जिंग में आप इसको 30 से 40 मिनट तक की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और बाकी कोई इश्यूज़ आए तो आप मुझे बताइएगा। और कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये भी रहता है कि सर मोबाइल के अंदर हमने मेमोरी कार्ड डाला है लेकिन ओनली ऑडियो आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है। तो ऑडियो और वीडियो अगर हमें एक साथ चलानी है तो मोबाइल के अंदर VLC प्लेयर या MX प्लेयर डाउनलोड आप करके उसके अंदर ऑडियो के साथ वीडियो भी आएगी। तो इतना था इसका यूज़ था, बाकी कोई इश्यू आए तो आप मुझे बताइए। थैंक यू।